हेलो दोस्तों, आप काफी से स्वागत है मेरी वीडियो सीरीज इट इज अबाउट कॉस्प्ले में। और ये उस वीडियो सीरीज का पांचवा भाग है और पिछले वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर हमने नहीं देखे तो देख लीजिए। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हमने जो पिछले वीडियो में जो आयरन मैन हेलमेट बनाया था जो ईवीएफ फॉर्म से, अगर हो सकता है आपने और कुछ भी बनाया हो, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको आयरन मैन हेलमेट बना के दिखाया। तो इस वीडियो में हम आगे क्या करने वाले हैं, इसकी फर्दर प्रोसेस, इसकी आफ्टर प्रोसेस क्या करने वाले हैं, वो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। तो पूरा देखिए इस वीडियो को अंत तक और सीख लीजिए मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में आयरन मैन हेलमेट बना के दिखाया था, तो ये मैंने ईवीएफ फॉर्म मटेरियल यूज करके बनाया था। और जितना मेरा तजुर्बा है, तो मैं ईवीएफ फॉर्म के बारे में बात करूं तो उसके एडवांटेजेस ये है कि ये रबर की तरह फ्लेक्सिबल है, ये लाइट वेट है और आप जैसे चाहे मोड़ के उसको जो चाहे डिजाइन दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। उसके डिसएडवांटेजेस में ये है कि अगर आप सनलाइट में इसको ले जाओगे, आप अगर धूप में खड़े होगे तो ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके हीट जनरेट करेगा, ये गर्म होगा और थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा गर्म होके। फिर जब आपका पसीना निकलेगा आपका बॉडी का, तो वो पसीने को ये सोख के थोड़ा फैल जाएगा, आपकी डिज़ाइन थोड़ी चेंज हो जाएगी, थोड़ा डायमेंशन बदल जाएंगे। और ये क्योंकि ये पसीना सोख के फैलता है और ये सॉफ्ट हो जाता है, तो ऐसा ना होने के लिए, इसको रोकने के लिए जो इस वीडियो में मैं आफ्टर प्रोसेस आपको दिखा रहा हूँ वो यूज़ करके फिर उसको बाद पेंट करें, उसको डायरेक्ट पेंट मत कीजिए। तो आफ्टर प्रोसेस की बात करूँ तो आफ्टर प्रोसेस ज़्यादातर मैं दो तकनीकें यूज़ करता हूँ। पहली तकनीक है पीवीए ग्लू की कोटिंग करना और दूसरी तकनीक है फाइबर ग्लास। तो जो मैंने आपको ये दो तकनीकें बताई, पीवीए ग्लू की कोटिंग और दूसरी फाइबर ग्लास, तो उसमें से जो पीवीए ग्लू की कोटिंग की मेथड है वो प्रोसेस काफ़ी ईजी है, तो वो आपको मैं प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि वो ऐसे ही मैं आपको जैसे समझा दूंगा तो आप समझ जाओगे कि क्या करना है और कैसे करना है। तो पीवीए ग्लू की कोटिंग का मैं आपको वर्बली समझा दूंगा क्या करना है। और जो फाइबर ग्लास की मेथड है, फाइबर ग्लास की मेथड थोड़ी हार्ड है, उसको थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसमें ध्यान में रखने वाली काफ़ी बातें हैं, तो वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले मैं पीवीए ग्लू की कोटिंग की मेथड आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, पीवीए ग्लू की कोटिंग की बात करूं तो उसमें पीवीए ग्लू, हम ज़्यादातर पीवीए ग्लू को फेविकॉल के नाम से जानते हैं। तो फेविकॉल में जितने भी टाइप्स आते हैं उसमें से जो मरीन फेविकॉल का टाइप है वो वाटर प्रूफ एडेसिव होता है, तो ये पसीना जो सोखने की बात है उसमें ये अच्छा रहेगा, उसको पसीने से कोई और ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो ये फेविकॉल ले लें इसको। अब अगर आपके पास बीकर है या फिर कोई केमिकल मिक्सिंग टब है तो वो भी ले सकते हैं। तो इसको हम क्या करना है, 60% फेविकॉल और 40% पानी, यस। अगर हम 200 ml बनाते हैं तो उसमें 120 ml फेविकॉल लीजिए, यहाँ तक का 120 ml फेविकॉल लीजिए और फिर उसको 200 ml तक पानी से भर दीजिए, फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और उसको मिक्स करने के बाद उसको लेके ऐसे ऐसे लगा दीजिए जहाँ पे अंदर के साइड है, जहाँ पे खांचे है वहाँ पे ऐसे लगा दीजिए, वो अच्छी तरह से उसका लेयर बना लीजिए। फिर पूरा लेयर एक बार हो जाने के बाद उसको सूखने के लिए रख दीजिए। वो जब सूख जाएगा तब वो एक लेयर का मजबूत लेयर होगा। और ये जो नॉर्मल ईवीए फॉर्म आपको दिख रहा है उसका थोड़ा फिनिशिंग आपको लगेगा और वो थोड़ा प्लास्टिक टाइप का कड़क भी लगेगा। तो जब भी आप मिक्सर बनाइए तो 60% फेविकॉल और 40% पानी लीजिएगा, और उसका जब आप लेयर लगाएंगे तो वो फेविकॉल पानी के साथ मिक्स होके थोड़ा पतला हो जाएगा। तो जो पतला हो जाएगा फेविकॉल, तो उसको ये ईवीएफ फॉर्म एब्जॉर्ब कर लेगा
और जितना भी ये एब्जॉर्ब कर सकता है वो फेविकॉल को भी एब्जॉर्ब कर लेगा और पानी जो है वो सूख जाएगा। तो जब 40% पानी वो सूख जाएगा तब जितना भी एब्जॉर्ब किया होगा वो फेविकॉल रह जाएगा बाकी, तो इसको एक फेविकॉल की लेयर हो जाएगी और ये थोड़ा कड़क हो जाएगा। फिर ऐसी तरह वो सूख जाने के बाद उसकी दूसरी बार उसकी लेयर उसकी कोटिंग कीजिए, फिर वो सूख जाए, फिर तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार। अगर आप 5 बार कोटिंग करते हैं तो वो एक पक्का जोड़ हो जाएगा और उसकी एक सरफेस जो है वो सील हो जाएगी। तब ये जो सॉफ्ट है, ये जो इतना नरम है, इतना नहीं रहेगा, थोड़ा कड़क हो जाएगा। तो इस तरह फेविकॉल की कोटिंग करता है, पीवीए ग्लू की कोटिंग करता है। तो पीवीए ग्लू की कोटिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। अगर आप पहली बार भी कर रहे हैं तो भी आप वो आसानी से कर लेंगे, काफ़ी ईजी मेथड है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर। ओके, तो ये बात हो गई पीवीए ग्लू की कोटिंग की। अब शुरू करते हैं दूसरी मेथड है फाइबर ग्लास की कोटिंग। तो फाइबर ग्लास की बात करूँ तो फाइबर ग्लास में जो प्रोसेस है उसमें पहले क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या साधन सामग्री हमको चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। एक उसका जो मेन बेस ग्लू होता है वो होता है रेजिन। फिर उसमें कैटलिस्ट को हम हार्डनर भी कह सकते हैं, उसको मिक्स करना है। और थर्ड एलिमेंट है कोबाल्ट। वो कोबाल्ट एलिमेंट है वो मजबूती देता है रेजिन को, अगर वो हम मिक्स नहीं करेंगे तो जितनी मजबूती हमें चाहिए उतनी नहीं मिलेगी। तो रेजिन में कोबाल्ट मिक्स करना है, फिर उसमें जितना भी हमारे हार्डनर चाहिए, जितना भी कैटलिस्ट चाहिए वो हमें उसकी मात्रा मिक्स करनी है। वो मिक्स करके जो घोल बनेगा उस घोल को जो एक फाइबर ग्लास मैट आता है जिसको हम फाइबर ग्लास जाली भी बोलते हैं, या आप जो चाहे अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से बोला जाए, तो उसके फाइबर ग्लास मैट है उसको रख के उस पर सॉल्यूशन लगाते जाना है, जो हमने घोल बनाया है वो लगाते जाना है। तो इस तरह से फाइबर ग्लास में प्रोसेस करना है। अब जो फाइबर ग्लास प्रोसेस में जो ध्यान में रखने वाली बात है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप केमिकल्स मिक्स करेंगे, रेजिन और हार्डनर और कोबाल्ट वो सब मिक्स करेंगे तो हीट जनरेट करेगा, वो काफ़ी गर्म होगा सॉल्यूशन। तो प्लीज़ उसको कांच के बर्तन में ना करें, कोई बीकर में ना लें, क्योंकि वो पतला कांच होता है, अगर वो हीट जनरेट करेगा तो कांच टूट भी सकता है। इसलिए आप एक प्लास्टिक का डब्बा ले लें और उसमें सिल्वर फॉइल की लेयर लगा लें। तो उस सिल्वर फॉइल की लेयर जब आप बनाएंगे उसमें आप वो घोल बनाइए। तो सिल्वर फॉइल की लेयर है वो तापमान झेल सकते हैं, वो आपको पता है। और दूसरे सेफ्टी की बात करूँ तो एक केमिकल लेबोरेटरी में यूज़ होने वाले गॉगल्स जो आँखों को पूरी तरफ से कवर करते हैं, ऐसे गॉगल्स चाहिए, क्योंकि हो सकता है उसकी जो हवा है, जो केमिकल की हवा उठेगी वो आपकी आँखों को जला भी सकती है, अगर आपके आँखों में जलन ना हो इसलिए यह पहने। और दूसरा है आपका नोज़ मास्क, ये मास्क का भी यूज़ करिएगा क्योंकि उसकी स्मेल भी थोड़ी कॉन्सेंट्रेटेड होगी। और अपने हाथों की रक्षा के लिए हैंड ग्लव्स ज़रूर पहने। तो 3 सेफ्टी गियर है वो पहने और फिर आपका काम शुरू करें। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ वो प्रोसेस। तो पहले सेफ्टी गियर ज़रूर पहन लीजिए। तो ये है हमारा फाइबर ग्लास रेजिन और ये ब्लू कलर का है कोबाल्ट, जिसको हमें रेजिन में मिक्स करना है। और इसको कहते हैं कैटलिस्ट या आप हार्डनर भी बोल सकते हैं, जो रेजिन को सूखने में मदद करता है। इसको भी मिक्स करना है इसके, और ये होता है हमारा फाइबर ग्लास मैट। हम रेजिन का सॉल्यूशन बनाएंगे, रेजिन कोबाल्ट और कैटलिस्ट को मिक्स करके इसमें। इसके लिए आप एक प्लास्टिक का जो लंच बॉक्स होता है या कोई स्टोरेज बॉक्स होता है वो ले लें, उसमें
सिल्वर फॉइल की परत लगा लें। आप इस जो फाइबर ग्लास मैट है उसका छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए। ये कैंची से आसानी से कट जाता है, तो कैंची से काट लीजिए। ओके, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर दीजिए ताकि हमको हेलमेट पर लगाने में आसानी हो। तो जैसा कि हमने ये मैट को टुकड़ों में काट लिया है और अब हम इसको हेलमेट पे लगाएंगे, लेकिन उसके पहले हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो सॉल्यूशन बनाने के लिए पहले आप अपना जो रेजिन है उसे लीजिए। याद रहे दोस्तों, फाइबर ग्लास की जो हम सॉल्यूशन बना गए उस बैच को छोटा छोटा बनाइएगा क्योंकि ये जल्दी से सूख जाएगा। तो ये थोड़ा कोबाल्ट ले लिया हमने, फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ये जो कोबाल्ट है वो देखने में पर्पल कलर का लगता है, लेकिन वो मिक्स होना हो जाने के बाद वो सफ़ेदी हो जाएगा। आप चाहे तो पीछे से मिक्स करें या फिर जो कोई प्लास्टिक की चम्मच है उससे भी आप मिक्स कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। और इसमें अब हम हार्डनर मिक्स करेंगे, जो कम लीजिएगा क्योंकि जितना हार्डनर ज़्यादा आएगा उतना ही जल्दी जमेगा। तो सिर्फ आधा ढक्कन जैसा काफ़ी है जमने के लिए। क्योंकि अपने काम के हिसाब से डालिएगा, अगर ज़्यादा हो गया तो अपना काम ख़त्म होने से पहले ही ये जम जाएगा। फिर हार्डनर डालने के बाद और अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये येलो शेड जैसा बन गया। अब हमें इस सॉल्यूशन को यूज करना है। तो ये बन गया सॉल्यूशन, तो अब शुरू करते हैं। हम यहाँ ऊपर से शुरू करेंगे, तो एक पट्टी डाल लीजिए। सॉल्यूशन लगाया,
ये रखी और इसके ऊपर भी सोलेशन लगाना है। तो ऐसे हल्के हाथों से मारिएगा, ऐसे तो ये चिपक जाएगा अच्छी तरह से। इसी तरह सॉल्यूशन लगाते जाइए। ध्यान रहे कहीं पे भी बबल्स ना रहे, अगर बबल रहेंगे तो आगे जाके दिक्कत हो सकती है।
दोस्तों, हमने अभी पूरा एक लेयर लगा दिया है फाइबर ग्लास का और उसको हम अभी सूखने को रखते हैं, फिर आगे मैं बताता हूँ कि इसका क्या करना है। तो हमने आयरन मैन हेलमेट पर फाइबर ग्लास का एक कोट लगाया और उसको एक दिन के लिए सूखने दिया और एक दिन के बाद आज वो सूख के ऐसा उसका आउटपुट आया है, मैं आपको अच्छी तरह से दिखा देता हूँ। ये फाइबर ग्लास जो हमने किया था एक कोट, उसका आउटपुट ऐसा आता है। अब ये ज़्यादा मजबूत है पहले से और इसको अब पानी की भी कोई असर नहीं होगी और धूप की भी कोई असर नहीं होगी। तो एक पूरा लेयर हमने अभी लगा दिया है फाइबर ग्लास का। अभी इसकी भी थोड़ी आफ्टर प्रोसेस करनी पड़ेगी, जहाँ पे फाइबर ग्लास ठीक से नहीं हुआ और ये जो आँखों पे भी है उसको हमें कट करना पड़ेगा। ये जो है यहाँ पे इसको भी हम कट कर देंगे। तो चलिए अब इसको कट कर देते हैं। तो अपना काम शुरू करने से पहले सेफ्टी गॉगल्स और अपना डस्ट मास्क ज़रूर पहने और फिर अपना काम शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरह जैसे हमने एक आँख का निकाल दिया, वैसे दूसरी आँख का भी निकालना है। तो अब दोनों आँख का काम हमने कर लिया और जब इसको ग्राइंडिंग की ज़रूरत होगी तब हम इसको ग्राइंडिंग भी कर देंगे। लेकिन अभी अभी जहाँ जहाँ से हमको काटना ज़रूरी है वहीं से काट लेते हैं। तो अब ये जो पूरा पोर्शन है इसको भी हम साफ कर देते हैं। तो अब हमने ये पोर्शन भी कट करके उसको क्लीन कर दिया है। अब चलिए इसको भी निकाल देते हैं।
फेस प्लेट को हम लास्ट में निकालेंगे, अभी नहीं निकालना है, अभी एक दूसरी कोटिंग करनी है जो सरफेस मैट आती है उससे, उससे इससे भी ज़्यादा थोड़ा फिनिशिंग आ जाएगा। तो अब फाइनली जो जितने भी पार्ट कट करने थे वो हमने कट कर लिए हैं कटिंग टूल की मदद से, और अब एक नया कोट करेंगे जो फिनिश मैट से होगा। जो पहले ये हमने फाइबर ग्लास मैट जो ये लेयर लिया है वो रफ मैट से किया था, अब उसके ऊपर फिनिश मैट का लेयर लगाना है। मैं आपको बताता हूँ वो कैसी मैट होती है फिनिश मैट। ये जो मैट आप मैंने आपको बताई थी वो रफ मैट है जो बेस में यूज़ होते हैं, और जो भी हम बनाते हैं फाइबर ग्लास से उसके फिनिशिंग के लिए ये मैट यूज़ करना पड़ता है। ये एकदम बारीक है, एकदम स्मूथ है, और इससे हम हेलमेट को फिनिशिंग देंगे। तो चलिए अब इस हेलमेट को फिनिश मैट से फिनिश करते हैं।
दोस्तों हमने ये लेयर लगा दिया है जो स्मूथ मैट है उसका, और अब इसको सोखने के लिए रख देते हैं। ये सूख जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसा लगता है। तो दोस्तों दूसरा कोट जो हमने फिनिश मैट का लगाया था फाइबर ग्लास का, वो सूख जाने के बाद कुछ ऐसा आउटपुट दिख रहा है। आप देख सकते हैं कि जब पहली जो रफ मैट हमने लगाई थी उसमें फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं थी, जो फिनिश मैट लगाने के बाद जो हमें फिनिशिंग मिला है वो काफ़ी बढ़िया आउटपुट है। तो अभी हम जितना भी ज़्यादा हो गया है, जितना भी लेयर हमसे चाहिए उससे ज़्यादा है, वो हम निकाल देते हैं इस ड्रिल की मदद से। तो आंखें वो दो आँखों पे जो फाइबर ग्लास का लेयर लग गया था वो हमने निकाल दिया है, और जो ये सब है ये सब हम इस सैंड पेपर की डिस्क से निकाल देंगे वो घिस घिस के, और फिर अपनी अगली वीडियो में जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट सिक्स वीडियो, उसमें हम आगे उसका मैं काम आपको दिखाऊंगा, जो सैंड पेपर से घिसना है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो में सैंड पेपर को घिसने के बाद जो हमें बॉडी फिलर से फिल करना है, जो शेप है जहाँ पे एरर्स रह गई है या कोई फिनिशिंग चाहिए तो वहाँ पे हम बॉडी फिलर का यूज़ करके उसका शेप ठीक ठाक कर देंगे और एकदम बढ़िया बना देंगे इसको। तो अभी इस वीडियो में यहाँ तक रखते हैं, फिर आगे का वीडियो पार्ट सिक्स में मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि क्या करना है। तो दोस्तों हमने दो लेयर लगा ली फाइबर ग्लास की, एक रफ मैट से और दूसरी फिनिश मैट से। तो फाइबर ग्लास की प्रोसेस करने के बाद ये हेलमेट का वो आउटपुट है जो आप देख सकते हो। अब ये इतना मजबूत है कि आप इसको हाथ से ब्रश नहीं कर सकते, और ये इतना टिकाऊ भी हो चुका है। और जो मैंने आपको डिसएडवांटेजेस बताए थे ईवीएफ के, वो इसमें नहीं रहेंगे। इसको सनलाइट की भी कोई असर नहीं होगी, और आपका पसीना जो निकलेगा जब ये पहनने के वक्त, जो पहनने के बाद जो पसीना निकलता है बॉडी से, इसको भी ये सोखेगा तो फिर भी ये फैलेगा नहीं, क्योंकि ये पूरी तरह से लेयर्ड हो चुका है फाइबर ग्लास से। आप देख सकते हैं अंदर जो है वो एक टाइप का हमें पैडिंग मिल चुका है जो सेफ है, बाहर अगर कोई टक्कर या होती है तो अंदर जो ई वी एफ फॉर्म है 6 mm का 6 mm का वो सॉफ्ट है अभी भी अंदर से, तो एक तरह से सेफ्टी भी अच्छी है। तो इसके ये फायदे हैं फाइबर ग्लास के। और अब अगले वीडियो में मैं आपको इसको सैंड पेपर से सैंडिंग करूँगा, और जहाँ जहाँ पे भी फाइबर ग्लास अच्छा नहीं रहा है वहाँ पर हम बॉडी फिलर का यूज़ करके उसको बॉडी फिल करेंगे, तो फिर उसको फिर से सैंड पेपर से सैंडिंग करना पड़ेगा। तो वो करेंगे हम अगले वीडियो में पार्ट सिक्स में। तो अब तक 5 भाग बन चुके हैं इस सीरीज के, 5 पार्ट। तो अब अगला बनेगा पार्ट सिक्स, और पार्ट सिक्स में मैं आपको बताऊंगा जो मैंने बोला। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ क्लिक लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, और अगर आप सोचते हैं कि आपके फ्रेंड को या आपके कोई रिलेटिव को या कोई अपने कलीग्स को जो ये वीडियो सीरीज़ या ये वीडियो काम आ सकता है तो प्लीज़ उसके साथ शेयर कीजिएगा, यूट्यूब की लिंक शेयर कीजिए अपने सोशल मीडिया में और अपने दोस्तों के साथ, और उनको बताइए तो वो भी कुछ सीख सकेंगे। तो यही है जो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। अब
पार्ट 6 में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।